मास्टर भाई पंडित जी एक रिक्वेस्ट है भाई, झड़ते उड़ान तक। बिल्कुल बिल्कुल, झड़ से उड़ान तक असली जिकड़ी सुनाए जाओ। जय जय साहब। चार था। देखो एक से एक बेहतरीन वादक आपके आगे बजा के चले गए, कछु आकाशवाणी बारे कछु बिना आकाशवाणी बारे। मास्टर जी गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी मानस में लिख गए दादाओ। देखो ज्यादा कुछ ना कहूं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग। और जो आप बुजुर्गन के दर्शन हेरे एक साल में एक बार, यू बहुत बड़ो सत्संग ही है। और जैसे कैसी कृपा भई है, एक जुबान की और बात की बात होती है, नहीं तो तुम जाने भरतपुर से लेके यहां तक कम से कम 50 मेले चल रहे हैं जी। अब देखो कवि कवित्व में लिख रहा है और कह रहा है क्यों, क्योंकि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्न मम कथा प्रसंगा। और इस भक्ति में बड़ा आनंद है और भक्ति से पूरित बात आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कवित्त में। चार साहब कैसे सुनिए साहब। भक्ति से जग को दिखायो है, भक्ति से शक्ति विभीषण ने पाली, लंका जैसी नगरी में राम नाम गायो है। छोटी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में कुन बा ग्रंथन में गायो है। कहत कभी हरि बाप प्रहलाद को देख ले,
भक्ति के प्रताप ते परम पद को पायो है। चार साहब साखी और साखी हमारे रविंदर चाचा जी अभी सही कह रहे थे कि साखी को मतलब है साक्षी। तुमने पतो है कि ना है, सबने पतो तत्सम और तद्भव रूप है दोनों है जी। चलिए साखी में क्या लिख रहा है कवि भैया। दरे नारे नारे ना, ये राग देश की झलकी है डॉक्टर साहब। दरे नारे ना, दरे नारे 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 ना, दरे नारे नारे अरे करे गो पे सो पावे
अरे करे गो पैसो पावे गो तेरा पल्लो तेरा पल्लो तेरा पल्लो तेरा पल्लो तेरा पल्लो नाए पकड़े दादा तू अरे करे गो पैसो पावे गो तेरा पल्लो तेरा पल्लो तेरा पल्लो तेरा पल्लो नाए पकड़े बाबरे को अरे करे गो पैसो क्या बात है रवि आप जैसे महान भाव कहते हैं मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है धोखा वही देता है जिस पे ज्यादा भरोसा होता है। द्वापर युग बीत जाता है कलयुग का शासन शुरू हो गया। शासन शुरू किया कलयुग ने अपने पैर जमाए हैं करण शिकार परीक्षित राजा बियाबान में आए हैं। सिर पे ताज धरो सोने को सिर पे ताज धरो सोने को पलक की करी ना देरी और कलयुग ने माया महाराज परीक्षित कलयुग के वशीभूत हो गए। गोस्वामी बाबा तुलसीदास लिख गए तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय आप ना आवे ताहे पे तो ताहे तहा ले जाए। कहां पहुंच गए श्रमिक ऋषि के आश्रम पे और श्रमिक ऋषि अपने ध्यान में मगन बैठे। एक घटनाक्रम होता है और वो घटना होती क्या है मास्टर? सर्वप्रथम मराठी और मराठी में महाराज परीक्षित कह रहे श्रमिक ऋषि से कैसे चार साहब है
हरी कहे याने हरी कहे सा दू के गले में एक मरे सरप कुटार हरी कहे सा दू के गले में मरे सरप कुटार महाराज परीक्षित ने श्रमिक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। वहां से हस्तिनापुर की तरफ कूच कर गए। लेके बाज विपन से राजा नगर अपने को आयो है। सिर से ताज हटो सोने को सोच जिगर में छायो है। कैसो पाप कियो है मैंने क्यों अकल बिगड़ गई मेरी और दादा वा कलयुग ने माया। महाराज परीक्षित कलयुग के बसीभूत हो गए। हस्तिनापुर के अंदर महलों के दरमियान पश्चाताप की अग्नि में जल रहे। उधर में श्रमिक ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि ने देखा कि किसी पापी ने किसी अधर्मी ने किसी दुष्ट ने मेरे भजन करते हुए पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, कौतकी नदी का जल अंजलि में ले लिया। भागवत महापुराण स्पष्ट से कह रही है इत लंगित मर्यादम तच्छक सप्तमेहिनी। अब क्या कह रहे हैं श्रृंगी ऋषि झड़ झड़ में क्या कह रहे हैं चार साहब। हाँ जी अरे देख पिता को हाल नेत्र भय कोई दैयर सीने फेंक सो भजन की अपनी दैयर सीने संगीत वह शक्ति है हर स्वर में बसे है राम। रागी जब सुनाए रागिनी रोगी को मिले आराम। पर आराम कैसे नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा मास्टर। अरे जाने की अपा पदों में सपनाए मेरा नाटे तच्छक नाग तच्छक नाग तच्छक नाग अधर्मी तो कूदना सा
बिचारे संगी रिसने, बिना बिचारे संगी रिसने काहे को है दे दे ला। अच्छा बिना बिचारे संगी रिसने श्राप सुना दिया भारिये, इतमें ध्यान प्रभु को धर के खुली संत की तारिये। सबरी कथा सुनी बाबा ने, सारा वृतांत श्रमिक ऋषि के सामने आ गया। सबरी कथा सुनी बाबा ने, ऐसे वचन उचारे, अरे बेटा तेने बादर पारे। तूने ये क्या कर दिया महाराज, परीक्षित के समान धर्मात्मा संसार में कोई नहीं है। अब देखो जिकड़ी का चौक, और हमारी छोटी बहन पूजा जी भी आपको चौक सुना रही थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो उसी अंदाज में हम अपनी तरफ से और परोस रहे चौक को, सुनना भाव से भाई साहब। साधु संतन को वो ही एक सहारा है। श्रमिक ऋषि कह रहे हैं चाचा जी, कलयुग में साधु संतन को वो ही एक सहारा है, और वही सहारा तेने बेटा बिना मौत के मारो है।
राजा बिना संत दुनिया में, राजा बिना संत दुनिया में, डोलेंगे मारे मारे। अरे बेटा तेने बादर, संतों की वाणी निरर्थक नहीं जा सकती। एक काम कर लियो बेटा, जो कछु है गो सो तो है गो, या समाचार है या सूचनाएं या संदेश है, कैसे करके महाराज परीक्षा तक पहुंचा दियो। सब चेला इकट्ठे कर लिए चाचा, अब ढोला में श्रमी कृषि समझा रहे, कैसे समझा रहे ढोला में मास्टर धर्मवीर भैया। जब हम नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे तो बफा कौन करेगा, जब हम फल जो मोहब्बत
का ये फल जो मोहब्बत का आधार मेरे लिए मरने की मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा जब हम बिना जब सातों आवे चेला भेज दिए और देखो गीत ना गा रहो उड़ान उड़ान का कह रही है। हाँ जी मेरे भैया चेला जान चेला दिए पठा और कहानी कहानी कह दइए सारी खुशी भया खुशी भया राजा अति भारी पुते मिल जाए छुट्टी पापुते मिल जाए छुटकारो हो मिल जाए छुट्टी पापुते मिल जाए छुटकारो ये दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो क्यों द्वार तया जब तू खोले पंचम स्वर से गूंगा बोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर से गूंगा बोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर से गूंगा बोले अंधा देखे लंगड़ा चल कर
चांद जवानी को गजल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, आपकी नजर हो जाए तो गजल कहते हैं। सगे मरमर सा तेरा वो तरासान बदल, लोग फिर क्यों उसे वो ताज महल कहते हैं। ताज महल तो एक पत्थर की मूरत है, इससे बढ़कर मेरे महबूब तेरी सूरत है। का कह रहो घमसा, सुन के भैया पूरी बात दादराम है। और कांच का बदल लेकर, कांच का बदल लेकर पत्थरों की बस्ती में, कांच का बदल लेकर क्यों चले आए, आप क्यों चले आए दिल जलों की बस्ती में, आप क्यों चले आए दिल जलों की बस्ती में। आप मत ठहर जाना, आप मत ठहर जाना काफिरों की बस्ती में, आप मत ठहर जाना काफिरों क्या पठार पहुंचो या गोटिया लेके अब जाओ तुम चेला दिए पठाए, कहानी कह दई है सारी, खुशी भयो राजा अति भारी। और देखो बड़े बूढ़े जो उड़ान खत्म करे, डॉक्टर साहब पाप ते मिल जाए छुटकारा, 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 पाप ते कारो, पाप ते मिल जाए छुटकारो, सारे जग में हल्ला मचो। हुआ तो भयो मेरी नाम राम ले लियो जब